इस वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया है उसको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल करेंगे। है थोड़ा मुश्किल, कंफ्यूजन हो जाता है, बट होपफुली कि ये क्लास करने के बाद वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कुछ समय से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा था बट नहीं बन पा रहा था। आज फाइनली सोचा कि नहीं, आज बनाते हैं हम लोग। आज इस वीडियो में जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है, जिस थीम पे हम लोग फोकस करेंगे, वो है इकोलॉजी पिरामिड। जो पिरामिड बनता है अलग अलग जगह पे, लेकिन उसके पहले चीजों को समझते हैं, फिर उसको समझेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी और सारे के सारे कंटेंट प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, यूपीएससी एंड पीसीएस को ध्यान में रखते हुए। इकोलॉजी, ये जो शब्द है पारिस्थितिकी, हम लोग आज पढ़ेंगे इकोसिस्टम। हाँ ठीक है, इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इसको ट्रांसलेट साहब ने इस वर्ड को दिया था, ट्रांसलेट साहब ने दिया था एक्चुअली ये इकोलॉजी या इकोसिस्टम क्या होता है। इस इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और अबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक यानी बायोटिक और एबायोटिक चीजों के बीच में इंट्रैक्शन होता है। वो जो इंट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहते हैं। इसके बाद यहां पर एक और चीज देखिए, इकोसिस्टम जो हमारा होता है उसके अंदर जो इकोसिस्टम हमारे होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक तरह का होता है, और एक बहुत बड़ा, ये जो है ना बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। बहुत बड़ा का मतलब क्या कि हो सकता है ये समुद्र वाला जो ओशनिक या एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी बात कर सकते हैं, जहां या वो डेंस फॉरेस्ट हो सकता है बहुत बड़ा वाला, या वो छोटा सा पॉन्ड भी हो सकता है, यानी एक बड़ा एरिया इलाका भी हो सकता है। उसके अंदर जो बायोटिक और अबायोटिक लोगों का इंट्रेक्शन है, इंट्रेक्शन जो उनका है, उसको हम शामिल कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी, एक छोटे से झील जैसा भी हो सकता है। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स, रिवर्स, इस तरह से इनको हम एक्वेटिक के अंदर डालते हैं, और बाकी जो होता है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम होते हैं, अलग अलग, स्थलीय भी होता है, जलीय भी होता है और वायु वाला भी होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ इकोसिस्टम को समझ रहे हैं। तो इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है महासागर की तरह, और छोटा भी हो सकता है एक छोटे से लेक की तरह। तो इसके साइज में ये जो साइज में छोटे से बड़ा होता है। मेन जो आपको क्रक्स पकड़ के रखना है, यहां जैविक और अजैविक घटकों का आपसी इंट्रैक्शन होता है, अंतर क्रिया होती है, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में। और जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अंदर एक वर्ड आएगा, वो आएगा जैव मंडल। उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, ठीक से समझिए, अगर हम बात करें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, तो वो लगभग छह तरह का होता है। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसमें टैगा, टुंड्रा, डिसीडियस का मतलब होता है पर्णपाती वन, ग्रासलैंड मतलब ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब विषुवतीय वर्षा वन, और डेजर्ट। तो इस तरह से अलग अलग तरह की जो स्थलीय पर्यावरण तंत्र है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्थलीय जो पर्यावरण तंत्र है सिर्फ वही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे आपको एक्वेटिक भी दिखेगा, यानी जलीय पर्यावरण तंत्र भी, पारिस्थितिकी तंत्र भी दिखेगा। और ये जो आपने स्थलीय अभी देखा, इसके अंदर ग्रासलैंड की बात हमने की, रेन फॉरेस्ट की बात की, तो रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एक बड़ा हिस्सा रखता है। अब हम अगर एक्वेटिक के अंदर देखेंगे, तो यहां पे फ्रेश वाटर भी है और सॉल्ट वाटर भी है। इसका मतलब यहां पे समुद्र वाला जो इकोसिस्टम है वो भी है, और फ्रेश वाटर वाला भी इकोसिस्टम है। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो लेक आएगा, स्ट्रीम्स आएंगे, रिवर आएगा, इसके अलावा साल्ट वाटर के अंदर भी आप ओशन, सी, इन सब चीजों को रख सकते हैं। तो वैसे भी आप डिवाइड कर सकते हो एक्वेटिक वाले को, उसको आप कह सकते हैं कि एक फ्रेश वाटर है और एक समुद्री वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। तो हम रिवर सिस्टम को
इन दो अलग अलग एस्पेक्ट में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। क्लियर, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब जो है यहां पे हम एक और तरीके से इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज पहला नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या? जो नेचर के अंदर है। नेचुरल का मतलब जो टेरेस्ट्रियल है, यानी जो स्थलीय है, जो एक्वेटिक है, तो वो सब नेचुरल है। जैसे समुद्र के अंदर आप देखोगे, जंगल देखेंगे, वो सब नेचुरल है। लेकिन आर्टिफिशियल क्या होगा? हमने खेती किया और हमने खेत बना दिया, वहां पे एक इकोसिस्टम आ गया। हमने झील बना दी, हमने तालाब बनाया, तो वो जो झील हमने बनाया, वो जो हमने तालाब बनाया, ये जो सिस्टम तैयार हुआ, इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है। तो एग्रीकल्चर एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा पार्ट है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल। किसको कहते हैं? सिंपल सी बात है, यहां पे एटमॉस्फेयर है। एक आप जो इमेज अभी जा रहा है उसमें एक ब्लू कलर में एटमॉस्फेयर है, एक डार्क ब्लू में जो है वो हाइड्रोस्फेयर है, यानी जल मंडल है, और एक रेडिश टाइप में लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है। इंसान ना केवल सिर्फ ना ही स्थल मंडल पे, लिथोस्फेयर पे, ना ही सिर्फ वायुमंडल पे, एटमॉस्फेयर पे, और ना ही केवल हाइड्रोस्फीयर पे, यानी जल मंडल में रह सकता है, बल्कि इंसान को रहने के लिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। ये तीनों जिस जगह पे मिलेगा वहीं पे इंसान रह सकते हैं, यानी वहीं पे जैविक चीजें हो सकती है। तो बेसिकली इन अ सिंपल लैंग्वेज ये कह सकते हैं कि वो पार्ट बायोस्फीयर कहलाता है जहां पे लिविंग बॉडी रहते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, जहां लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है, समझ में आया? तो उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। पृथ्वी यानी अर्थ ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां पे ऐसे बायोस्फीयर है जहां लोग रह सकते हैं। अब जब बायोस्फीयर के अंदर, अब बहुत आप नीचे भी नहीं रह सकते, बहुत ऊपर भी नहीं रह सकते, यहां पे ये भी कहा गया है, नहीं है कोई बात नहीं, यहां पर ये भी कहा गया है बायोस्फीयर के बारे में कि आप जमीन के बहुत ऊपर भी नहीं, और जमीन के ऊपर मतलब 17-18 किलोमीटर से ऊपर नहीं, और समुद्र में 11 किलोमीटर से नीचे नहीं। टोटल लगभग 28 से 30 किलोमीटर का ऐसा दायरा है जिसके बीच में इंसान सर्वाइव कर सकता, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। 30 किलोमीटर के दायरे में हम सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इकोसिस्टम, इसी को हम लोग, ये है आपका बायोस्फीयर जहां पे हम रहते हैं। तो जो भी घटनाएं होती है, जो भी लिविंग बॉडी यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, वो बायोस्फीयर में भी, और बायोस्फीयर क्या है? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर जहां मिलता है, एक ऐसी आदर्श कंडीशन, एक ऐसा आइडियल कंडीशन तैयार होता है जहां पे लिविंग बॉडी एग्जिस्ट करके सर्वाइव कर सकता है, दैट इज क्या? इकोस्फीयर, ठीक है, जैव मंडल उसको कहा जाता है। अब आगे, अब जो हमारे पास जो इको सिस्टम है उसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बायोटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं जैविक। बायोटिक का मतलब होता है जैविक घटक। अब यहां पर जो ये जैविक घटक है, इसके अंदर अलग अलग तरह की स्पीसीज आएगी, अलग अलग तरह की जातियां आएंगी, अलग अलग तरह के बायोमास आएंगे। और अबायोटिक के अंदर क्या आएगा? अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। इसके अंदर न्यूट्रिशन, वाटर, तो ये सारी चीजें, फिजिकल एनवायरमेंट एंड इन इट्स लिमिट, यानी भौतिक वातावरण और उसकी लिमिटेशंस, उसमें क्या क्या आएगा? टेम्परेचर, तापमान आइडियल नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगे, लाइट, साउंड, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये सारी चीजें इस इकोसिस्टम के अंदर, ये सारी चीजें जो हैं, वो सारी जो हैं टाइप्स, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है ये हमारा। उसके बाद इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर, ये तो हो गया ना, थ्री टाइप्स ऑफ हो गए। अब देखो, अब देखते, अब हम लोग बात करते हैं अबायोटिक। अबायोटिक यानी अजैविक, यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अबायोटिक में
यहां पे लिखा है तीन तरह के होते हैं ये। एक होते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक, फास्फोरस इनऑर्गेनिक है, इसके अलावा सल्फर इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो अकार्बनिक तत्व को हम इसके अंदर शामिल करते हैं, इसका मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक का, इसको कहते हैं स्वपोषी, स्वपोषी यानी जो अपना अपने देख ले, जो अपना अपने देख ले, ठीक है। और एकमात्र है जो है पेड़ पौधे, वो पेड़ पौधे ही अपना अपने देख सकते हैं, हम लोगों के बस का नहीं है, हम लोग खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ जो बनता है उसको खा सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो पेड़ पौधे एक्चुअली में खाना बनाते हैं और वही इस ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक की जब भी बात होगी तो उसके अंदर सिर्फ पेड़ पौधे आएंगे और वो क्या करते हैं, जो सूरज से एनर्जी आता है उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और इसीलिए उसको कई बार पेड़ पौधे को कन्वर्टर्स भी कहते हैं, यानी कन्वर्ट करने वाला, उसको कई बार ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम ऑटोट्रॉफिक के अंदर पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों को डालेंगे। इसके बाद यहां पे चीजें थोड़ी सी बदलती है, वो क्या होता है, वो होता है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है परपोषी, हेटरोट्रॉफिक का मतलब परपोषी होता है। अब परपोषी भी दो तरह का होता है, एक होता है मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा वाला, माइक्रो छोटा वाला। ये जो भाई साहब मैक्रो हैं, ये मैक्रो इतने मैक्रो नहीं होते, इस मैक्रो के अंदर हैबिवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस आता है, यानी ये जो पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे गिलहरी है, छिपकली है, गिलहरी है, खरगोश है, ये सब जो होते हैं वो हार्बिवोरस होते हैं, वो हार्बिवोरस होते हैं और वो पेड़ पौधे को खा के जिंदा रहते हैं, पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एक्चुअली। तो उसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी, हिरण गाय ये सब उसी के अंदर आता है। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांसाहारी जंतु, जो मांस ही खाते हैं, मांस के अलावा घास वास नहीं खाते, सिर्फ मांस ही खाते हैं, वो उसके ऊपर आएंगे। और फाइनली जो नाम आएगा वो है ओमनीवोरस का, जिसके अंदर हमारे जैसे इंसान आते हैं, जानवर को भी, सांप को भी खा जाएंगे और हिरण को भी खा जाएंगे, बकरी को भी खा जाएंगे, तो इंसान आते हैं, ठीक है, कुछ भी खा जाता है, दलिद्र टाइप का सुने होंगे ना वर्ड, तो वही है इंसान, जो मिले ऐसा कुछ भी नहीं दुनिया में है जो नहीं खाता है। पहले बहुत छोटे थे तो पता चलता सांप थोड़ी ना खाते हैं, तो पता चला नॉर्थ ईस्ट में मार्केट ही अलग अलग वेराइटी के सांपों का, तो मतलब सब कुछ खाया जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये है ओमनीवोरस। तो इस तरह से एक पिरामिड बनता है जहां पे ऐसी स्थिति आती है। अब एक्चुअली हम पिरामिड पे आ रहे हैं, ठीक है, इसको बड़े आराम से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। ये चटपट में समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, तुरंत इस टॉपिक को खत्म कर देंगे और सब कुछ समझ में भी आपके आ जाएगा। दिक्कत होगी दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लेके आपके टॉपिक को समाप्त नहीं करेंगे, इतना समय बर्बाद करने का मतलब नहीं है, आपका भी और अपना भी। अब देखिए यहां पे जो इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड बनता है, वो पिरामिड तीन तरह का बनता है और इस तीनों को तरह को समझना सबसे पहले जरूरी है, बाकी सब होता रहेगा। पहला पिरामिड ऑफ नंबर्स, संख्या का पिरामिड, ठीक है, संख्या का पिरामिड। दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार, यानी एक चिड़िया है तो उसका कितना वजन है, इंसान है उसका कितना वजन है, पेड़ है उसका क्या वजन है, उसको हम लोग बायोमास कहते हैं। और पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा उल्टा टेढ़ा टाढ़ा कुछ भी, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, अच्छे से देखिए इसको। आपके सामने अभी दो इमेज है, कलर अलग कर दिया गया है, एक व्हाइट है, रेड है, ब्लू है एंड ऊपर के ऊपर पर्पल है, कलर अलग अलग है। एक जगह आप देख रहे होंगे वहां पे जो पहला है दैट इज ग्रासलैंड, वो ग्रासलैंड का है और दूसरा पॉन्ड का, और हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी संख्या के पिरामिड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कहां की बात करेंगे, ग्रासलैंड की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे पॉन्ड की, तब फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो बढ़िया से, ग्रासलैंड की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, घास भूमि की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका व्हाइट कलर का
जो ये व्हाइट कलर देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये व्हाइट कलर क्या है, ये घास को दिखा रहा है, नंबर ऑफ ग्रासेस। मान लो घास 2-4 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसको खाने वाला घोड़ा, खरगोश, खच्चर जो भी खाता है उसको, उसकी संख्या और घास की संख्या कौन ज्यादा होगा? संख्या पे जा रहे, नंबर पे जा रहे, ऑब्वियसली घास ही ज्यादा होगा। तो पहले स्टेज ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं, तो ग्रासलैंड में जो घास होता है उसकी संख्या सबसे अधिक होती है। उसके बाद उसके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं लाइक चूहा, जो भी खच्चर टाइप की, घोड़े जो भी खाते हैं उस घास को, तो वो सेकंड हो गए, वो इससे कम हो गया, ठीक है, इससे उनकी संख्या कम होगी। अब तीसरा, उस चूहे को खाने वाले, उस खरगोश को खाने वाला जो है लाइक सांप, तो वो तीसरे पे उनकी संख्या और कम होगी, और उनको भी खाने वाला जो ऊपर बैठा है लाइक चील, ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, बाज, तो वो सब की संख्या और भी कम है। तो ये जो पिरामिड बनेगा ना ग्रासलैंड में, नंबर का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा होगा, नंबर का पिरामिड। पहला घास, घास पे डिपेंडेंट जानवर, उसको खाने वाले जानवर उससे कम, और उसको खाने वाला जो चिड़िया होता है और जो भी जानवर वो उससे भी कम। तो संख्या का पिरामिड ग्रासलैंड पे हमेशा सीधा होगा, पिरामिड उल्टा नहीं होगा। दूसरी तरफ आइए, अब हम आते हैं तालाब जैसी जगह पे, यहां पे पिरामिड कैसे बनेगा? तो जब आप तालाब जैसी जगह पे आएंगे यहां भी पिरामिड सीधा ही बन रहा है। उसका कारण है, पहला देखिए व्हाइट कलर को, देखिए व्हाइट कलर को आप देखेंगे तो ये एल्गे या बैक्टीरिया को दिखा रहा है। एल्गे और बैक्टीरिया, नंबर्स की बात हो रही है, बहुत होता है, ठीक है, बहुत। तो ये एल्गे और बैक्टीरिया नंबर में बहुत होते हैं, संख्या की बात है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो संख्या वाइज यहां भी सीधा बनेगा, नंबर में बहुत होते हैं, पहली बात, पहला हो गया एल्गे या बैक्टीरिया वाला। दूसरा, यहां जब आएंगे तो दूसरे, जब रेड कलर पे आएंगे तो आपको दिखेगा छोटी मछली, तो इस पे जो डिपेंडेंट छोटी मछली है उसके बाद उसकी संख्या होती है। छोटी मछली बहुत होती है, एक जगह पे हजार हजार मछलियां दिखेंगी आपको, तो उसके ऊपर छोटी मछली होती है। छोटी मछली के ऊपर जब जाएंगे तो थोड़ी बड़ी मछली, क्योंकि उसकी संख्या बहुत अधिक होगी तो छोटी मछली तो गायब, तो उसके ऊपर थोड़ी बड़ी मछली, ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो व्हेल टाइप की बड़ी मछली होती है जो संख्या में सबसे कम होती है। तो इस हिसाब से पॉन्ड का भी जो पिरामिड बनेगा वो सीधा ही बनेगा, जैसे ग्रासलैंड का बन रहा है। क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब फॉरेस्ट का देखते हैं और पैरासाइट का देखते हैं, यानी वन का उल्टा उल्टा बन रहा है। देखिए कैसे, फॉरेस्ट की जब बात हम करेंगे, जब हम जंगल यानी वन की बात करेंगे, तो अब यहां पे क्या है, संख्या की बात की गई है, सुनिए अच्छे से, नंबर ऑफ, संख्या की बात की जा रही है ना फॉरेस्ट में। एक पेड़ उठा लीजिए, ठीक है, एक पेड़ उठा लीजिए, पेड़ अब उठा लिया, अब पेड़ की संख्या, अच्छा पेड़ की संख्या हमेशा कम होगी, पहले ये ध्यान रखिए, एक पेड़ को छोड़िए, मतलब पेड़ की संख्या हमेशा कम होगी, कॉमन सी बात है। अब आपने क्या कि एक पेड़ को उठा लिया, संख्या की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, पेड़ उठा लिया, पेड़ के ऊपर चिड़िया रह रही है, उस पर डिपेंडेंट एलिफेंट भी हो सकता है, हिरन भी हो सकता है, सबको छोड़ो, चिड़िया, एक पेड़ पे हजारों चिड़िया रहती है, तो आप उसका तो बहुत ऊपर का बनेगा ही, मतलब उसका संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक पेड़ उसके ऊपर हजारों उस पर डिपेंडेंट रहने वाले, संख्या हजारों की हो सकती है, सोचो कितना ऊंचा हो गया, कितना ज्यादा बनेगा। उसके ऊपर जब जाएंगे फिर उसको खाने वाले की बात आएगी, तो चलो ठीक है, फिर अब उस हिरन को खाने की बात आएगी, ये सब आएगी, तो वहां पे स्नेक हो सकता है, वोल्फ हो सकता है, वो सब चलेगा। और ओवरऑल इन सब शाकाहारी और छोटे छोटे मांसाहारी को खाने के लिए शेर और टाइप का जो होगा वो सबसे टॉप पे होगा। तो इसका पिरामिड कुछ इस स्ट्रक्चर का बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये पिरामिड जो है वो इस स्ट्रक्चर का बनेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब जो पिरामिड है वो पिरामिड है बायोमास का। अब जो पिरामिड आपके सामने है वो बायोमास का। अच्छा एक और छूट गया ना पैरासाइट का, एक मिनट जस्ट वेट, पैरासाइट का छूट गया ना। अब यहां पे देखिए ये भी उल्टा बन रहा है, कैसे, ठीक से देखो इसको, व्हाइट सबसे ऊपर चला गया, व्हाइट सबसे ऊपर चला गया का मतलब यहां पे संख्या की बात हो रही है ना। नीचे पेड़ है, एज यूजुअल एक पेड़ है,
इसके ऊपर चिड़िया है, ठीक है, उस चिड़िया के ऊपर आप ये कह सकते हो कि बॉक्स है, लाइस है, और उसके ऊपर पैरासाइट। पैरासाइट तो अरबों में होते हैं ना, संख्या की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, अरबों में होते हैं, तो वो ज्यादा ही होंगे, जहां होंगे ना ज्यादा ही होंगे, सिंपल सा है। अब हम लोग बायोमास की बात कर रहे हैं, ठीक से देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं बायोमास की। एक्चुअली ये जो बायोमास होता है वो उसका वजन दिखाता है। आप अगर बायोमास को देखें तो ये ग्रासलैंड की देखें तो ग्रासलैंड में सीधा ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा बन रहा है। कैसे बन रहा है सीधा, उसको देखिए। ग्रासलैंड में जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का क्या है, व्हाइट कलर का एक पेड़ है, एक ट्री है, ठीक है, व्हाइट कलर का एक मतलब यहां पे एक पेड़ है। वजन बहुत ज्यादा होगा ना, वजन बहुत ज्यादा होगा, उसके ऊपर हजार चिड़िया बैठेगी तो क्या उसका मुकाबला हो जाएगा वजन के मामले में? नहीं होगा, नहीं होगा ना। उसके ऊपर हाथी वाथी कई सारे चीज डिपेंड करते, उसके ऊपर संख्या उनको खाने वाले की, उसके ऊपर उनको खाने वाले की, तो वजन की जब बात करेंगे तो फिर वहां पे ये सीधा सीधा बनेगा, ट्री में भी और ग्रासलैंड में भी, दोनों जगह ये इसका इमेज जो है सीधा ही बनना है। लेकिन यही चीज पॉन्ड में, तालाब में उलट जाती है। सवाल यहां से कई बार पूछा गया है, ये तालाब में उलट जाता है, कारण क्या है? अब यहां पे कारण क्या है बायोमास को लेकर, अब देखिए कारण यहां पे ये है कि जो सबसे पहला और सबसे छोटा वाला ब्लैक कलर जो दिख रहा है वो एल्गे का है। एल्गे के बारे में कहा जाता है कि एल्गे नंबर में तो ये ज्यादा निकल गया था, लेकिन बायोमास में पिछड़ेगा। ये जितना जल्दी फैलता है ना उतना जल्दी इसको खा भी लिया जाता है, तो जितना जल्दी फैलता है उतना जल्दी खा भी लिया जाता है, वजन में हल्का होता है, तो इस पे डिपेंड रहने वाली जो प्रजाति मछली आदि की है वो वजन में, भार में, बायोमास में इनसे ऊपर निकल जाती है। तो छोटी छोटी जो मछलियां इस पे डिपेंडेंट है, नंबर में तो वो ज्यादा है, नंबर में भी कम है, लेकिन बायोमास में वजन के हिसाब से इससे आगे निकल जाता है। और इसको खाने वाला बड़ा मछली, वेल टाइप का या और बड़े बड़े मछली, वो एक एक मछली कई लाख मछलियों के ऊपर भारी पड़ते हैं। तो बायोमास में वो बड़ी मछलियां जो है वो टॉप पे चली जाएगी बायोमास में, ये ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो लास्ट है, अब ये लास्ट है, वो ये है पॉन्ड क्या है, नहीं, अब है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड कहीं भी रहेगा किसी भी कंडीशन में सीधा ही बनेगा। सिंपल सा फंडा है, एनर्जी हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में चलती है, एक रेखीय डायरेक्शन में चलती है, और हर एक स्टेज के ऊपर जाने पे उसका एनर्जी का नुकसान होता है। तो एनर्जी का पिरामिड जहां भी बनेगा वो वहां पे सीधा ही बनेगा, और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स सूरज है। हरे पौधे उसको एक्वायर कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं खाने में, उसके ऊपर जो शाकाहारी होते हैं वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जितना एनर्जी पेड़ पौधे के अंदर होता है उतना उसके अंदर नहीं होता, उसके ऊपर खाने वाले के अंदर वो नहीं होता, उसके ऊपर खाने वाले के अंदर एनर्जी कम होती जाती है, एक सर्टन फॉर्मूला है। लेकिन यहां पे हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो एनर्जी है का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा ही बनता है, वो कभी भी उल्टा नहीं बनता है। तो ये सारे जो सवाल थे, ये सारे जो अभी आज के टॉपिक थे, वो एक तो इकोलॉजी क्या होता है उसको, उसके अलावा जीव मंडल को, बायोस्फीयर को, और जो पिरामिड है उसको समझाने की कोशिश की गई है आसान भाषा में विद इमेज। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो ये वीडियो ही आपके लिए काफी होगा। इससे रिलेटेड सवाल हर साल पूछे जाते हैं, गलत कभी नहीं होगा।